हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अर्चना वेलकम टू माय चैनल फूड शेप आज मैं बना रही हूं खीर मोहन जी हाँ जिस तरीके का खीर मोहन आप हलवाई की दुकान से खरीद कर खाते हैं ना वही वाली रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है तो आज की रेसिपी भी हलवाई वाली है कि हलवाई किस तरीके से खीर मोहन बनाते हैं वीडियो में मैंने परफेक्ट नाप के साथ ये खीर मोहन की रेसिपी आपके साथ शेयर की है इसलिए ये वीडियो ना आप पूरी ज़रूर देखें सच मानिए पहली बार में भी आप एकदम हलवाई स्टाइल ये खीर मोहन बनाकर तैयार कर सकते हैं तो आइए बनाते हैं इसे तो खीर मोहन बनाने के लिए ना हमें चाहिए दूध देखिए यहाँ पर मैंने टोंड दूध का इस्तेमाल किया है यानी कि फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो दो लीटर मैंने टोंड दूध ले लिया है इसमें जो फैट की मात्रा होती है ना वो कम होती है तो बस अब गैस का फ्लेम जो है वो हाई पर करें और दूध में एक दो उबाल आने का इंतज़ार करें देखिए अब इसमें उबाल आने वाला है जब इस तरीके से दूध में उबाल आने लगे ना तो क्या करना है गैस का फ्लेम जो है अब बंद कर दें बंद करने के बाद ना इसे हम दो तीन मिनट इस तरीके से उछालते हुए ठंडा कर लेंगे ताकि क्या है दूध का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो जाए अब दूध को फाड़ने के लिए हमें चाहिए विनेगर तो ये वाइट विनेगर लिया है मैंने और जितना हमने विनेगर लिया है ना दो से तीन चम्मच उतना ही इसमें पानी डालकर मिक्स कर लें अब बस ये विनेगर का जो पानी है ना उसको हम दूध में डाल देंगे आप देखेंगे दो मिनट के अंदर ही ये जो दूध है फट गया है यानी कि इसका पानी अलग हो जाएगा और पनीर जो है यानी कि छेना जो है वो अलग हो जाएगा ये बेहद सिंपल तरीका है छेना निकालने का देखिए इसका पानी बहुत ही अच्छे से अलग हो गया है आप विनेगर की जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो नींबू का रस इसमें लग सकता है नींबू के रस से क्या है ना खटास हो जाती है इसलिए मैं विनेगर का इस्तेमाल करती हूँ तो बस एक कपड़े पर इसे हम छन्नी रख कर छान लेंगे इसको छानने के बाद इसका जो पानी है ना उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं उससे आटा दाल वगैरह बना सकते हैं जैसे मर्जी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपकी च्वाइस है और इस निकले हुए छेने को ना रनिंग वाटर के नीचे आप इस तरीके से थोड़ा देर एक दो मिनट के लिए धो लें ताकि इसमें से जो विनेगर का टेस्ट है ना वो निकल जाए देखिए दो लीटर दूध से ये 300 ग्राम छेना निकला है मैंने आपको वेट करके भी दिखा दिया है तो इस 300 ग्राम छेने को हम एक परात में ले लेंगे और हल्का सा इसे खोल देंगे देखिए जो खीर मोहन होता है ना उसमें सूजी का भी इस्तेमाल किया जाता है तो मैं इसमें यानी कि 300 ग्राम छेने में 30 ग्राम यानी कि तीन चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं बस अब करना क्या है इसको हमने अच्छे से मसलना है करीब चार से पाँच मिनट का समय आपको लगेगा इसको चिकना करने में तो हथेलियों की सहायता से ना आप इसको अच्छे से मसल लें इस तरीके से ऐसे करते करते क्या है ये अच्छे से चिकना हो जाएगा और कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है देखिए ये डो जो है अच्छे से चिकना हो गया है बहुत ज़्यादा भी इसको आप मत मसलिएगा नहीं तो इसमें से क्या है ना तेल निकल जाएगा तो बस अब इस तरीके से एक मेजरिंग स्पून ले लें मैंने ये एक चम्मच लिया है इससे क्या है ना कि हम जो खीर मोहन बनाकर तैयार करेंगे ना वो सारा एक साइज का तैयार होंगे तो बस इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा दबाते हुए नहीं इस तरीके से आप चिकना करके ये सारे बॉल्स तैयार कर लें देखिए इतने मिक्स से मैंने ये 18 बॉल्स यानी कि खीर मोहन के बॉल्स तैयार कर लिए हैं अगर आप थोड़ा छोटा बनाएंगे तो आप 20 बॉल तैयार कर सकते हैं खीर मोहन में एक हल्का सा कलर होता है उसको देने के लिए एक कढ़ाई लें और उसमें डाल दें दो चम्मच चीनी जब ये चीनी डार्क हो जाए इस तरीके से कैरमलाइज हो जाए तब इसमें पानी डालना है इससे क्या है खीर मोहन का जो कलर है ना बिल्कुल वैसा ही आएगा जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं वैसे तो हलवाई लोग क्या है ना कि कलर का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज हम ऐसा कुछ भी इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं बेहद आसान तरीके से और शुद्ध तरीके से ये मिठाई हम बना रहे हैं तो बस अब इसमें हमने पानी डाल दिया है करीब डेढ़ से दो लीटर और 300 ग्राम हमने पनीर लिया था तो 300 ग्राम पनीर के हिसाब से मैंने इसमें 300 ग्राम ही चीनी का इस्तेमाल किया है देखिए जो मेजरमेंट मैंने बताया है ना उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो ये रेसिपी जो है आप कभी भी बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा यानी कि हलवाई स्टाइल का बनेगा तो ये 300 ग्राम चीनी मैंने इसमें डाल दिया है अब चीनी घुल जाए और इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाए उसके लिए ना इसको हम ढक देंगे देखिए अब इसमें बढ़िया सा उबाल आ रहा है इसी उबाल का आपको इंतज़ार करना है जब इसमें उबाल आने लगे ना और उबाल जो है ना इस तरीके से लगातार बने रहना चाहिए इसके लिए आप गैस का फ्लेम जो है वो हाई पर रखें लगातार और एक एक करके ये बॉल्स जो है ना इसमें डालते जाएं। बस ये ध्यान रखना है इसमें उबाल जो है लगातार बने रहे देखिए मैंने सारे बॉल्स ये डाल दिए हैं अब क्या करना है इसे हमने ढक देना है ताकि ये बढ़िया सा उबलने लगे बस ढकने के बाद ना करीब आप 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ दें उसके बाद ये कवर हटाएं और हल्का सा इसे चला लें देखिए जो खीर मोहन होता है ना उसको बहुत देर तक इस तरीके से उबाला जाता है तभी उसका जो टेक्सचर है कलर है उसका स्वाद है वो खीर मोहन का आता है देखिए बीच बीच में मैंने इसे चला लिया है अभी करीब आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है और इसमें क्या है ना एकदम गर्म पानी डालना है ताकि खीर मोहन को उबलने के लिए पानी जो है ये चाशनी वाला जो पानी है वो कम ना पड़े इसके लिए आप 15-20 मिनट में एक बार हल्का सा पानी आप ज़रूर ऐड कर दें और पानी जो है एकदम उबलता हुआ होना चाहिए इसके लिए आप पानी पहले से गर्म करके एक साइड रख लें और 15-20 मिनट बाद चेक करके इसमें आप डाल दें चेक भी क्या करना है आप थोड़ी थोड़ी देर पर डाल दें देखिए अभी करीब एक घंटा हो चुका है इसको उबलते हुए एक घंटा मैंने इसको हाई फ्लेम पर उबाला है अब क्या है गैस का फ्लेम थोड़ा सा आप कम कर दें मीडियम पर कर लें और आधा घंटा हम इसको ऐसे ही उबालेंगे बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें ताकि इसमें पानी कम न हो और ये खीर मोहन अच्छे से उबलता रहे देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना बिल्कुल यही तरीका होता है जो हलवाई लोग बनाते हैं देखिए इधर आधा घंटा भी हो चुका है इसको अच्छे से उबलते हुए यानी कि पूरे डेढ़ घंटे हो चुके हैं इसको उबलते हुए आपको साइड में ये घड़ी भी दिख रही होगी जिसमें कि टाइम चल रहा है तो बस थोड़ा सा पानी और डाल दें और आगे ना अब गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा और कम कर लें अब इसे हम लो से मीडियम फ्लेम के बीच में हम ये गैस का फ्लेम रखेंगे और इसी फ्लेम पर हम उबालेंगे इससे क्या है ये जो खीर मोहन है हल्का सा टाइट हो जाएगा और ये जो चासनी है ना गाढ़ी हो जाएगी तो 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है अब आप देखिए इसका कलर देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हलवाई की दुकान से आप खरीद कर लाए हैं देखिए इसको मैंने पूरे एक घंटा चालीस मिनट उबाला है फ्लेम मैंने आपको बता ही दिया है कितना मैंने रखा था आप इसे दो घंटा भी उबाल सकते हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो चासनी है ना वो कम ना हो लास्ट में एकदम गाढ़ी हो जाएगी और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और ढक कर क्या करना है ना तीन चार घंटे के लिए या पाँच घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें इससे क्या है ये जो खीर मोहन है खाने लायक हो जाएगा अभी आप इसे खाएंगे ना आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जब आप इसे तीन चार घंटे या पाँच घंटे रख दें या अगर आप रात में बना रहे हैं तो पूरी रात के लिए रख दें कहने का मतलब ये है कि बनाने के बाद ना करीब चार पाँच घंटे या पूरी रात के लिए आप छोड़ दें उसके बाद इसे आप ठंडा ठंडा खाने के लिए इस्तेमाल करें हाँ एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि बनाने के बाद ना कम से कम पाँच घंटे आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे इसको बाहर ही रूम टेम्परे टेम्परेचर पर रहने दें उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करें जितना टाइम इसको आप छोड़ेंगे ना सात आठ घंटे छोड़ दिया बनाने के बाद फिर आप इसे खाएंगे आपको खाने में मज़ा आ जाएगा तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर और बनाने के बाद फीडबैक देकर बताइएगा भी ज़रूर कि आपको रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू